मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इटली कश्ती हादसा, साबिक हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर खेल और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर खेल का कहना था कि मकामी खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करने से मायूसी फैली। कनाडा के शहर एडमिंटन में फायरिंग, दो पुलिस अहलकार हलाक, मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस अहलकार घरेलू झगड़े की शिकायत पर मकामी अपार्टमेंट में गए थे। कनाडा में 700 के करीब भारतीय तलबा को मुल्क छोड़ने का हुक्म। कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने जाली दस्तावेजात पर दाखिला लेने वाले तलबा को कनाडा छोड़ने का हुक्म दिया। माहिरीन के मुताबिक पहली मरतबा इस नौयत का इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है। कैनेडियन शहरियों की अक्सरियत बरतानवी बादशाह से ताल्लुकात पर नज़रसानी की ख्वाहिशमंद। शहरियों की अक्सरियत खुद को बादशाह चार्ल्स से लाताल्लुक महसूस करती है। माहरीन का कहना है कि बादशाह चार्ल्स को कनाडा को मजीद देखने की ज़रूरत है। खतरनाक समंदरी तूफान ने मलावी और मोजम्बिक में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज कर गई। मलावी में मुतासर इलाकों को आफत जदा करार दे दिया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते रूस का अहम दौरा करेंगे। अमरीका की चीन की रूस यूक्रेन जंग में पोजीशन पर नजरें। दौरे के दौरान अहम मुहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कनाडा के शहर एडमिंटन में फायरिंग से दो पुलिस अहलकार हलाक हो गए। कैनेडियन वजीर आजम ने वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर एडमिंटन में फायरिंग से दो पुलिस अहलकार हलाक हो गए। कैनेडियन वजीर आजम ने वाकये पर इजहार अफसोस किया है। एडमिंटन पुलिस सर्विस के चीफ का कहना है कि जुमेरात को ड्यूटी के दौरान गोली लगने वाले दो एडमिंटन पुलिस अफसरान की हलाकत एक हवलनाक सानहा है। पुलिस चीफ के मुताबिक दोनों पुलिस अहलकार घरेलू झगड़े की शिकायत पर मकामी अपार्टमेंट गए थे। अपार्टमेंट में पहुँचने पर मुश्तइल शख्स ने पुलिस अहलकारों पर फायरिंग कर दी और बाद अज़ा खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अपार्टमेंट में मौजूद मदद की कॉल करने वाली खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस चीफ का कहना है कि वाकये से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पुलिस मुलजिम की उम्र या जख्मी खातून के साथ उसके ताल्लुकात की तस्दीक नहीं करेगी।
ना ही पुलिस या अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज अस्पताल में खातून की हालत के बारे में कोई अपडेट फराहम करेगी। दूसरी जानिब कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पुलिस अहलकारों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। ट्रूडो का कहना था कि हर रोज पुलिस अफसरान लोगों को महफूज रखने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ड्यूटी के दौरान दो अफसरान के मारे जाने की खबर हमें इस हकीकत की याद दिलाती है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम अफसरों के प्यारों और साथियों के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। कनाडा में 700 के करीब भारतीय तलबा को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, जिनमें से कई तलबा अपनी तालीम मुकम्मल करके नौकरी हासिल कर चुके थे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में 700 के करीब भारतीय तलबा को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, जिनमें से कई तलबा अपनी तालीम मुकम्मल करके नौकरी हासिल कर चुके थे। कनाडा में जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर दाखिला लेने वाले भारतीय तलबा को बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 से 2019 के दरमियान कनाडा जाने वाले तलबा से फ्रॉड उस वक्त सामने आया जब उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन तब उनमें से अक्सर की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक भारतीय रियासत पंजाब में कायम निजी इदारे के जरिए 700 तलबा ने स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया। इदारे ने फी तालबे इल्म 16 लाख रुपए से जायद की रकम लेते हुए टोरंटो के हम्बर इंस्टीट्यूट नामी नामवर कॉलेज में दाखिले की यकीन दहानी करवाई, जिसमें दाखिले की फीस भी शामिल थी। इमिग्रेशन हुक्काम ने जब कॉलेज की जानिब से दिए गए एडमिशन ऑफर लेटर की जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि जाली खत की बुनियाद पर वीजा जारी किया था। माहिरीन के मुताबिक पहली मरतबा इस नौयत का इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है। जालंधर से ताल्लुक रखने वाले एक कंसल्टेंट ने बताया कि तलबा को जिन कॉलेज के ऑफर लेटर फराहम किए गए उन्होंने वहाँ से डिग्री हासिल नहीं की, उन्हें दीगर कॉलेज में कर दिया गया या फिर अगले सेमेस्टर तक इंतजार करने का कहा, जबकि वीजे की दरख्वास्त में कुछ और मालूमात फराहम की गई थी। माहिरीन के मुताबिक कनाडा जाने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा का फायदा उठाते हुए चंद एजेंट्स उन्हें धोखाधड़ी के तहत वीजे जारी करवा देते हैं। माहिरीन के मुताबिक पहली मरतबा इस नौयत का इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा को जिन कॉलेज के ऑफर लेटर फराहम किए गए उन्होंने वहाँ से डिग्री हासिल नहीं की। माहिरीन के मुताबिक कनाडा जाने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा का फायदा उठाते हुए चंद एजेंट्स उन्हें धोखा दही के तहत वीजे जारी करवा देते हैं। कनाडा के निस से जायद शहरी बरतानवी बादशाहत से ताल्लुकात पर नजरसानी के ख्वाहिशमंद हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के नए बादशाह की ताज पोशी में 2 माह से भी कम वक्त रह गया है और मुल्क इस बात पर दरमियान में तकसीम हो गया है कि आया ये वली अहद से ताल्लुकात मुनक़ता करने का वक्त है। कैनेडियनों के लीगर सर्वे में पाया गया कि 1,54,456% जवाब दहिंदगान ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुल्क को बादशाहत के साथ अपने ताल्लुकात पर नजर सानी करनी चाहिए कि अब एक नया खुद मुख्तार है। ये तादाद क्यूबैक में ज्यादा थी, जहां 71% जवाब दहिंदगान ने कहा कि वली अहद के बारे में कुछ आईनी रुख की तलाश होनी चाहिए। ऑन्टेरियो में 53% और ब्रिटिश कोलंबिया में 52% अफराद दूसरे इलाकों के मुकाबले में ज्यादा इम्कान रखते थे कि किंग चार्ल्स और उनके वारिसों को हमारे निज़ाम में अपना मौजूदा किरदार बरकरार रखना चाहिए। बारबाडोस ने 2021 में बादशाहत के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया और एक जमहूरी मुल्क बन गया था, एक ऐसा फैसला जिसने दौलत मुश्तरका के दीगर शोबों में शाही मुखालफों को उम्मीद दी। माहरीन का कहना है कि इस तरह का इकदाम कनाडा में इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। कनाडा का आइन इस सवाल पर इत्तेफाक राय का मुतालबा करता है, जिसके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स, सेनेट और तमाम 10 सूबों को एक मुख्तलिफ निज़ाम पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस तरह के तवील आइनी जंग की कोई ज़रूरत नहीं है, चार्ल्स के यहाँ रहने का इम्कान है, लेकिन ये वाज़ह है कि बहुत से कैनेडियन सिर्फ शाही खानदान के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। सर्वे में पाया गया कि 67% जवाब दहिंदगान चार्ल्स के नए किरदार से ला ताल्लुकी महसूस करते हैं। सिर्फ 12% ने कहा कि यह अच्छी खबर है कि वो कनाडा के नए सरबराह मुमलिकत हैं। तकरीबन 14% ने कहा कि यह बुरी खबर है कि मलिका एलिजाबेथ के बड़े बेटे ने अपना पैदाइशी हक कबूल कर लिया है। ताज पोशी, मजहबी अलामत और एक बड़ी तकरीब को आमतौर पर बादशाह के दौर में सबसे अहम दिनों में से एक समझा जाता है। माहरीन का कहना है कि कैनेडियन की बादशाह से ला ताल्लुकी हैरान कुन नहीं है, क्योंकि हमने उसे ज्यादा नहीं देखा। यह राय आमा हमेशा उस शख्स की कुर्बत पर मुनहसर होती है। वो पिछले 5 सालों में यहाँ ज्यादा नहीं आए हैं, इसलिए कैनेडियनों के लिए वो अपने आप को दूर महसूस करते हैं और ये चॉइस है। वो अब हमारे सरबराह मुमलिकत हैं और हमें उनको मजीद देखने की जरूरत है और ये वो चीज है जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। 1 माह में दूसरी बार जनूबी अफ्रीका के साहिली इलाकों से टकराने वाले समंदरी तूफान फ्रीडी ने
मलावी और मोजम्बिक के कई इलाकों में बड़ी तबाही मचा दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एक माह में दूसरी बार जनूबी अफ्रीका के साहली इलाकों से टकराने वाले समंदरी तूफान फ्रीडी ने मलावी और मोजम्बिक के इलाकों में बड़ी तबाही मचा दी। तूफान से हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज कर गई, जबकि कई अफराद अब भी लापता हैं। मलावी हुक्काम के मुताबिक मलावी में समंदरी तूफान से हलाकतों की तादाद 326 तक पहुंच गई है, जबकि 700 अफराद जख्मी हैं। दूसरी जानिब मोजम्बिक में अमवात की तादाद 53 है, जबकि मुड़कास्कर में 27 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने हलाकतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। मलावी में मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक मलावी और मोजम्बिक में समंदरी तूफान फ्रीडी से हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी तूफान फ्रीडी हफ्ते को पहले मोजम्बिक, उसके बाद मलावी के साहिले इलाकों से टकराया। तूफानी हवाओं से मुतासरा इलाकों में मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे का कहना है कि कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात भी पेश आए। मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम भी मुतासर हुआ। मुतासरा इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला अब भी जारी है। हुकाम ने हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर करते हुए मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फ्रीडी जनूबी निस्क कुर्रा में रिकॉर्ड किए गए सबसे मजबूत तूफानों में से एक है। मुतासरा इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला अब भी जारी है। समंदरी तूफान फ्रीडी गुज़िश्ता माह भी मोजम्बिक, मलावी और मडगास्कर से टकराया था। चीन के सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते रूस का अहम दौरा करेंगे, जो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद चीनी सदर का पहला दौरा रूस होगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते रूस का अहम दौरा करेंगे, जो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद चीनी सदर का पहला दौरा रूस होगा। चीनी सदर का दौरा उस वक्त हो रहा है जब चीन की जानिब से यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने का मुतालबा किया गया। खबर रसा इदारे के मुताबिक चीनी वजारत खारजा की जानिब से बताया गया है कि सदर शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग रूसी सदर की दरख्वास्त पर वहां जा रहे हैं। बयान में बताया गया कि इस दौरान अहम मुहदों पर दस्तखत किए जाएंगे, मगर इस हवाले से तहाल वजाहत नहीं की गई। मास्को की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ख्याल रहे कि यह फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद चीनी सदर का पहला दौरा रूस होगा। इससे कबल सितंबर 2022 में चीन के सदर ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर मुलाकात की थी। इसी तरह बहिरा असद में अमरीकी जंगी ड्रोन के तबाह होने के बाद अमरीका और रूस के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। चीनी सदर का दौरा इस हवाले से भी अहम तस्वीर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीका चीन की रूस यूक्रेन जंग में पोजीशन का जायजा ले रहा है। व्हाइट हाउस की कौंसल बराए कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने इस बात की अहमियत जाहिर की है कि चीन की यूक्रेन में जंग से मुतालिक मौकफ जानने की जरूरत है। याद रहे कि यूक्रेनी वजीर खारजा देमत्रो कोलेबा ने चीनी हम मनसब चुन कॉन्ग से राबता किया था, जिसमें चीनी वजीर ने खदशा जाहिर किया था खित्ते में कशीदगी और बहरान के लिए काबू होने का कवी इम्कान पाया जाता है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। News are precise and effective.